हाँ जी, राम राम। तो दोबारा वापस आ चुके हैं देखो एक नए लेक्चर में। ऑलरेडी हम देखो इंडस रिवर्स का और हिमालय रिवर्स का हम चैप्टर कर चुके हैं। तो यानी हिमालय रिवर्स का भी चैप्टर बाकी चल रहा है हमारा, इंडस हम खत्म कर चुके हैं उसमें। तो आज जो हम बेसिकली मैंने आपको बताया था, चार हमारे पास इंटरनेशनल रिवर्स हैं तो वो हम कवर कर लेंगे, जिसमें हमारे पास गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और बराक, वो हम पढ़ लेंगे। तिस्ता रिवर एक टाइम पर गंगा का पार्ट होती थी तो उसे भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको हम कवर कर लेंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है, ऑलमोस्ट 50 के करीब स्लाइड्स हैं। तो विल सी कितना जल्दी हम उसे कवर कर पाते हैं। विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी फिनिश कर लें एंड आपको एक अच्छा सा लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। सो लेट्स सी, देखते हैं। तो स्लाइड अच्छी लग रही है, बड़ी मेहनत तो लगती है यार बनाने में। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम के अंदर अगर आप देखोगे तो गंगा की ना ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, सबसे पहले अगर आप देखो दो तरीके की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, एक होती है राइट बैंक, एक होती है लेफ्ट बैंक। अगर रिवर इस तरीके से बह रही है, देखो ये गंगा इस तरीके से बहती है ना, फिर उसके बाद जाके मुड़ जाती है। तो अगर इस तरीके से अगर आप सीधे की तरफ चल रहे हो तो लेफ्ट, ये राइट बैंक हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी राइट बैंक है, यहाँ से जो मिल रही है वो लेफ्ट बैंक हो जाएगी। अगर सेम अगर रिवर इस तरफ बह रही होती तो अब यहाँ पर ये राइट बैंक हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको बहुत, ये लेफ्ट बैंक हो जाएगी, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अगर इस तरफ बह रही है तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड एक बार समझ लो। कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होती है, लेफ्ट बैंक क्या होती है, तो ये आपको समझने के लिए ज़रूरी है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, अगर आप देखोगे तो आपके पास यमुना रिवर है, चंबल रिवर है, चंबल रिवर यमुना की सहायक नदी है, बनास रिवर है, सिंध रिवर है, बेतवा रिवर है, केन रिवर है, सोन रिवर है। ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो गंगा की जो लेफ्ट बैंक है, राम गंगा है, घघरा है, काली रिवर है, गंडक रिवर है, बूढ़ी गंडक है और कोशी रिवर है। जो कोशी रिवर है इस बेसिकली क्या है, ये सौरव ऑफ बिहार, बिहार कहा जाता है। बट इसकी वजह से हर साल जो बाढ़ आती थी अभी उसको रोक लिया गया है, अभी थोड़ा कम है, पहले इसका लेवल कुछ ज्यादा रहता था, ठीक है। एक बार नजर मार लो आप मैप पे, अगर आप एक नज़र मारोगे तो मैप पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यहाँ से ब्रह्मपुत्र जा रही है, ये गंगा आ रही है, नीचे से यमुना आ रही है। तो लेकिन एक मोटा मोटा देखते हैं, देखो ये है गंगा रिवर, ये जा रही है, यहाँ पर आ जाता है इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। ये है यमुना रिवर, यमुना रिवर कहाँ पर मिलती है, गंगा से जाके वो मिलती है यमुना, सॉरी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, ये दोनों यहाँ हो जाते हैं। वहीं यहाँ से ही गंगा रिवर यहाँ से बनती हुई चलती रहती है। अब जब ये रिवर यहाँ से चल रही है तो यहाँ पे जाके इसे बाद में जाके पद्मा कह देते हैं, ठीक है, और ये बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से गंगा की बात कर लूँ तो यहाँ से पहले आपको यमुना आके मिल गई, ठीक है, यहाँ से सोन आके मिल गई, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे गंगा के अंदर तो यहाँ से ये राम गंगा जा रही है, गोमती जा रही है, गंडक जा रही है, कोसी जा रही है, तिस्ता जा रही है। तिस्ता पहले किसका ट्रिब्यूटरी थी, पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी होती थी, बट बाद में क्या हुआ, ये ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बन गई, ठीक है। तो ये देखना यहाँ से बेतवा भी जा रही है, ठीक है, तमसा है यहाँ से जो कि गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी काउंट करते हैं, सॉरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी काउंट करते हैं, ये सोन यहाँ से है ही। तो ये सारी की सारी यहाँ से बनास जा रही है, ठीक है, ये सारी की सारी रिवर आप आराम से देखो। वहीं ब्रह्मपुत्र वाला भी मैं आपको समझा दूंगा क्या है, अगर उसमें भी कुछ समझ में नहीं आया, उसमें भी कुछ दिक्कत है तो इसे समझ लो, ये बहुत सिंपल सा है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे दैट विल ऑल्सो वर्क, कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, ईजी वे में समझा देता हूँ। ये है सिंधु नदी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंधु की जो ट्रिब्यूटरी है वो है चेनाब, ठीक है। अब चेनाब आ जाती है, चेनाब के बाद कौन सी ट्रिब्यूटरी है, झेलम है, ठीक है। झेलम में कौन सी, झेलम में क्या है, झेलम दो रिवर से बनती है, किशन गंगा और झेलम, ये दो रिवर आके मिलती हैं तो झेलम बन जाती है। फिर आप आगे चलोगे तो जो चेनाब है, चेनाब के अंदर झेलम आके मिलती है तो ये भी आ गई यहाँ पे। अब रावी और सतलुज है, अब जब चेनाब आएगी, चेनाब के अंदर रावी भी आके मिलती है तो यहाँ पर ये चेनाब आ गया, सतलुज यहाँ पर पड़ा रहा। अब जब ये पांचों आके मिल जाती हैं, यानी कि झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास, ये पांचों आके मिल जाती हैं तो इसे पंचाद कह देते हैं, ठीक है। और बाद में टोटल मिलती है एक रावी रिवर से, सॉरी सिंधु नदी, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप इसको देख लो, गोदावरी को, इस तरीके से आप कृष्णा रिवर को देख लो, वहीं यमुना को आप इसी तरीके से काउंट कर सकते हो, इसी तरीके से आप गंगा को काउंट कर सकते हो। आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैं आपके ये हाईलाइट हटा देता हूँ, आप आराम से समझ लेना इसे, ठीक है।
बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप इजीली अगर आप ये समझने की कोशिश करोगे तो ये यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल है। यहाँ पर यह द्वारा आगे बेतवा किसमें आके मिलती है, चंबल में आके मिल जाती है, ठीक है, यमुना की। फिर सेम ऐसे ही जाओगे तो यहाँ पर गंगा आ जाएगी, गंगा के अंदर यमुना ये दोनों आके मिलती हैं। फिर गोमती भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर आगे जाओगे तो घाघरा है, फिर आगे जाओगे तो सोन इसके अंदर आके मिल जाएगी, फिर आगे जाओगे तो गंडक भी इसकी सहायक नदी है, फिर आगे जाओगे तो कोशी है, फिर आगे जाओगे तो ब्रह्मपुत्र गंगा के अंदर आके मिलती है। ब्रह्मपुत्र गंगा आके मिलेगी उसके बाद में, ये बाद में जाके हुगली में पद्मा के नाम से बहेगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसका सर्कल है, एक सिनेरियो बना हुआ है। तो इस सिनेरियो को आप समझो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये रिवर्स का सोर्स कहाँ है, अगर आप भागीरथी रिवर, जो कि इनिशियली जो सबसे पहले जो निकलती है भागीरथी रिवर, उसको गंगा का सबसे पहला जो नाम है वो है भागीरथी। गंगा तो बहुत बाद में जाके बनती है, अभी आगे बता रहा हूँ मैं आपको, सबर। तो गंगा जो कहाँ जहाँ से निकलती है उसे कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। यमुना जहाँ से निकलती है कहते हैं उसे कहते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि बंदरपूच के अंदर है, ठीक है। चंबल कहाँ से निकलती है, जनपाव हिल्स, बेसिकली विंध्याचल रेंज से निकलती है। बनास रिवर कहाँ से निकलती है, अरावली रेंज का, अरावली रेंज से। बेतवा क्या है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट से आती है। केन कहाँ से आती है, बरनेर रेंज से आती है। सोन कहाँ से आती है, अमरकंटक प्लेट्यू से। अमरकंटक प्लेट्यू से एक और रिवर निकलती है, वो आप मुझे बताओ जब तक हम पेनिनसुला प्लेट्यू नहीं पढ़ लेते, ठीक है। दामोदर रिवर, इसको कहते हैं सौरव ऑफ बंगाल, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है। कोसी रिवर, डायरेक्टली नीचे आ रहा हूँ बिकॉज ऑफ सौरव आ रहा है, सौरव ऑफ बंगाल, सौरव ऑफ बिहार। ये कहाँ से निकलती है, बेसिकली तुम्हार अरुण एंड सुन कोशी यूनाइट त्रिवेणी, जहाँ पर महाभारत रेंज के अंदर होती है, फ्रॉम द कोशी। तो ध्यान रखना तुमार अरुण एंड सुन, सुन कोशी, ये तीन रिवर हैं जो कि त्रिवेणी बनाती हैं, तो उसके बाद ये कोशी बनती है महाभारत रेंज के पास। उसके बाद रामगंगा रिवर है जो कि गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है उत्तराखंड के। घाघरा रिवर है गुला मंथा का, मंथा पीक के बेसिकली मदंता पीक है, मानसरोवर इन तिब्बत, जहाँ से हमारी बेसिकली ब्रह्मपुत्र निकलती है, सतलुज निकलती है, इंडस निकलती है, वहीं से हमारी घाघरा रिवर भी निकलती है। द काली रिवर बॉर्डर बिटवीन नेपाल और उत्तराखंड के बीच में बनाती है, ग्लेशियर ऑफ ट्रांस हिमालय। गंडक रिवर है, इंडिया नेपाल बॉर्डर बनाती है। बूढ़ी गंडक है, सुमेनसर हिल से निकलती है। तो ये वाला जो सारा का सारा पार्ट है, सिर्फ एक छोटे एक दो बार ही सिर्फ एक नज़र मारोगे तो इतना काफ़ी रहेगा, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटा आप बार बार इसे पढ़ते जाओगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। दोबारा आ जाओ, दोबारा अगर आप देखोगे तो गंगा रिवर में एक छोटी सी चीज़ है, मैंने आपको क्या बताया, इनिशियली सबसे पहले इसे भागीरथी रिवर कहा जाता है, उसके बाद में इसे गंगा रिवर कहा जाता है, कब अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, गंगोत्री ग्लेशियर निकलती है उत्तरकाशी में, जो कि बेसिकली एलिवेशन 7,010 मीटर का है। अलकनंदा रिवर एंड भागीरथी जो कि एक दूसरे को देवप्रयाग के अंदर ज्वाइन करती हैं। मच्छर हो रहे हैं यार, विंडो खुला हुआ ना तो मच्छर आते हैं यार। अब फ्रॉम देवप्रयाग द रिवर इज कॉल्ड एज गंगा, एवरी वन नोज, इसके बारे में सबको बताया, जब अलकनंदा रिवर मिलती है भागीरथी से कहाँ पर, देवप्रयाग के अंदर। बट बिफोर दैट क्या है, उससे पहले भी तो इसके कुछ नाम है। गंगा वॉज रैंक बेसिकली फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ द वर्ल्ड इन 2017, फिफ्थ रिवर जिसको बेसिकली होली गंगा यानी कि पवित्र गंगा नदी है, उसके बाद ये फिफ्थ नंबर की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है। अब ये बेसिकली क्या है, रिवर गंगा डॉल्फिन के नाम से बेसिकली ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। तो जो रिवर जो डॉल्फिन होती हैं, जो गंगा डॉल्फिन जिसे हम कहा जाते हैं, वो बेसिकली ब्लाइंड होती हैं, वो बेसिकली अपने सेंसेस के थ्रू सारी चीज़ों को देखती हैं, और गंगा एक्शन प्लान इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए बनाया हुआ है तो उसी वजह से चलता रहता है। थोड़ी बहुत उसकी वजह से अभी क्लीन हो पाई है, बट हाँ ठीक है, चल रहा है। अब क्या है, इसको देख लो। अब जो ईस्ट त्रिशूल है, जॉइंस अलकनंदा एट कर्णप्रयाग, त्रिशूल रिवर। पिंडारा कहाँ पर आके मिलती है, नंदा देवी के अंदर। मदांकिनी और काली गंगा अलकनंदा टू रुद्रप्रयाग में मिलती है। धौली गंगा और विशन प्रयाग, ठीक है, विशन किशन गंगा जॉइन द झेलम, ठीक है। ये नॉर्मल थी सिर्फ एक छोटी सी कहानी, मेन कहानी ये है। इस मेन कहानी को समझो, यहाँ से गंगा नदी आ रही है, इसे बेसिकली कहा जाता है भागीरथी। भागीरथी यहाँ से निकलती है, यहाँ आ जाएगी, ये है देवप्रयाग। उससे पहले आप यहाँ पे धौली का नाम सुनो, ये यहाँ पर आ जाती है बद्रीनाथ में, ये बद्रीनाथ यहाँ पर आके मिलेगी। देन उसके बाद ये धौली आगे आगे बहती रहेगी, पिंडार रिवर यहाँ पर आके मिलेगी कर्णप्रयाग के अंदर, ये जोशी मठ है, ठीक है। बद्रीनाथ धौली गंगा से मिलती है कहाँ पे, जोशी मठ में। फिर ये धौली गंगा आगे बहती रहेगी, पिंडार गंगा कहाँ पर आके मिलेगी इसे, कर्णप्रयाग के अंदर। फिर ये आगे बहेगी, उसके बाद ये रुद्रप्रयाग कहलाएगी। इसे बेसिकली ये वाली जो मेन रिवर है, इसे इस पूरी रिवर को अलकनंदा कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग के अंदर आगे मिलती हैं, तब जाके गंगा नदी बनती है।
तो अलकनंदा रिवर ही बेसिकली धौली कही जाती है, उसके बाद ये पिंडार आके मिलती है तब भी अलकनंदा ही कहले जाएगी जब पिंडार रिवर कर्णप्रयाग के अंदर मिलेगी। देन उसके बाद रुद्रप्रयाग आएगा, रुद्रप्रयाग के अंदर मदांकिनी आके मिलेगी जो कि बेसिकली केदारनाथ से निकलती है, ये रुद्रप्रयाग में मिलेगी। देन अलकनंदा फिर सीधा बहेगी, उसके बाद यहाँ पर देवप्रयाग के अंदर मिलेगी, फिर ऋषिकेश के अंदर, हरिद्वार के अंदर, बेसिकली से गंगा रिवर कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली एक मेन सिनेरियो है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, धौली है, पिंडार है, ठीक है, मदांकिनी है, ये सारी की सारी आके मिलेंगी। अब बेसिकली क्या है, जो गंगा का इमर्ज है, बेसिकली जो बेसिकली स्पेस है वाइड, जो एक अच्छा खासा प्लेन एरिया में होता है। अब जो यमुना है, मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि यमुना इलाहाबाद के अंदर यानी कि प्रयागराज के अंदर आके मिलती है, नियर राजमहल की जो हिल्स है वहाँ से साउथ ईस्ट में। फरक का बेसिकली एक बांध है जो कि भागीरथी हुगली वेस्ट बंगाल के अंदर है, पद्मा मेघना बांग्लादेश के अंदर इसको जाना जाता है। जब ये भागीरथी, या फिर जो गंगा है ये जो वेस्ट बंगाल से जब एंटर करती है तो इसे पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर। ब्रह्मपुत्रा जब ये बाद में मिलती है तो इसे जमुना कहा जाता है, और तो जमुना इट्स नोन बेसिकली। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इसे मेघना या फिर सॉरी इस तरीके से कहा जाएगा। द टोटल लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इज बेसिकली 2525 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र और द जमुना इट्स नोन हियर जॉइंस पद्मा बेसिकली इन बांग्लादेश। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब जो गंगा है बे बंगाल में जाती है, लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है वर्ल्ड का बेसिकली, भागीरथी और हुगली समथिंग, पद्मा मेघना के नाम से वहाँ पर जानी जाती है। कोस्ट लाइन डेल्टा इज हाईली इंटेंडेड एरिया, यानी कि जो पूरा एक डेल्टा कैसा होता है, डेल्टा कुछ इस टाइप का होता है, जब एक इस तरीके का त्रिभुज बना लेते हैं, ट्राइंगल शेप बन जाती है, तो उसे बेसिकली एक डेल्टा कह दिया जाता है। द डेल्टा इज मेड ऑफ वेव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ आइलैंड्स, बेसिकली काफ़ी आइलैंड्स आके मिल जाते हैं, तो ये आइलैंड एक त्रिभुज सा बना लेते हैं, दैट्स बेसिकली कॉल्ड द डेल्टा। मेजर पार्ट ऑफ द डेल्टा इज लो लाइंग स्वैम्प है, यानी कि लो लाइंग स्वैम्प यानी कि ज़्यादा दलदली नहीं है, आराम से वहाँ की बाढ़ को रोक लेता है अच्छा खासा वहाँ पे, तो एक अच्छा एरिया क्रिएट हो जाता है जिसे हम बेसिकली याद नहीं आ रहा है किस तरीके से कहूँ मैं आपको, किस तरीके से समझाऊँ, एक डेल्टा इस तरीके का हो जाता है कि अगर वहाँ बाढ़ भी आएगी तो भी नहीं होगा, और उस पूरे एरिया के अंदर वो और उस पूरे एरिया के अंदर अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी होती है, वो उस पूरे एरिया को अच्छा उपजाऊपन मिल जाता है उस डेल्टा की वजह से। ठीक है, वहीं जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है एक्सेप्ट यमुना, मोस्ट ऑफली पेनिनसुला रीजन से होती है, लेकिन जो यमुना है वो हिमालय रीजन से आती है। तो यहाँ पर अगर आप यमुना रिवर देखोगे तो बेसिकली बंदरपुच पीस से निकलती है गढ़वाल रीजन से, 6000 मीटर का एलिवेशन है, लार्जर द मोस्ट अमाउंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, सॉरी इट कट्स द क्रॉस नागा तिब्बा मसूरी में जो कि शिवालिक रेंज से है उसको क्रॉस करती जाती है, इमर्ज द हिल एरिया और प्लेन एरिया में, हिल्स एरिया से प्लेन एरिया में आती है बेसिकली, सबको पता है बंदरपुच बेसिकली इसमें के अंदर टॉन्स विच इज ऑल्सो राइजेज फ्रॉम द बंदरपुच इसके अंदर आके मिलती है, जॉइंस यमुना ब्लॉक कालसी बिफोर लेटर लिव्स इन हिल्स बेसिकली, छोड़ दो कोई फर्क नहीं है, टॉन्स जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है छोड़ दो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये गंगा, ये यमुना रिवर है, ठीक है, यहाँ से देखो ये केन रिवर जा रही है, ये बेतवा रिवर जा रही है, ये सिंध जा रही है, ठीक है, ये चंबल रिवर जा रही है, चंबल के अंदर पंडारी मिल रही है, काली सिंध मिल रही है, इसको बेसिकली काली सिल्प भी कहा जाता है, ये बनास रिवर चंबल की सहायक नदी है, पंडारी का चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, काली सिंध इसकी सहायक नदी है, तो इस तरीके से ये चलने में लग रहा है इसका पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नॉन पेनिनसुला जो रीजन है जिसमें ऋषि गंगा, उमा, हनुमान गंगा, टोंस जॉइंट इट द माउंटेन्स जो कि यमुना की सहायक नदी है, हिंडन रिवर है जो कि यमुना की सहायक नदी है जो कि गाजियाबाद के अंदर प्लेन एरिया से निकलती है, ज्वाइन करती है, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला रिवर्स फ्लो इनटू यमुना बिटवीन आगरा एंड अलाहाबाद, आगरा के पास चंबल रिवर जो कि राजस्थान के अंदर धौलपुर जो कि चंबल रिवर है, वहीं इसे एमपी के अंदर भी चंबल ही कहा जाता है, आगरा धौलपुर और मध्य प्रदेश का मुरैना रीजन बेसिकली चंबल के बीहड़ के लिए फेमस है, वहीं सिंध बेतवा केन ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप इसे देखोगे इट्स यूनाइट द गंगा नियर त्रिवेणी जो कि संगम बनाती है, त्रिवेणी बेसिकली इलाहाबाद के अंदर बनती है, टोटल लेंथ है यमुना की 1376 किलोमीटर, इट क्रिएट्स हाईली फर्टाइल रीजन जो कि बेसिकली यमुना क्या करता है, अगर यमुना बेसिकली यमुनोत्री ग्लेशियर से होते हुए पहाड़ी रीजन से होने के बाद प्लेन एरिया में आती है, जो कि प्लेन एरिया के अंदर दिल्ली से होते हुए फिर बाकी पूरे एरिया के अंदर आगरा सारे जाते हुए इलाहाबाद जाते हुए एक अच्छा खासा एरिया को फर्टाइल कर देती है, तो बेसिकली एक दोआब बनाती है इटसेल्फ, और दोआब बनाने के बाद अच्छी खासी फर्टिलाइजेशन और प्रोडक्शन अच्छा होता है खेती में, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है।
वहीं अगर मैं चंबल रिवर की बात करूं तो बेसिकली जनापाव हिल से निकलती है, जो कि विंध्याचल रेंज का पार्ट है, मालवा प्लेटी बेसिकली, इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि यमुना को ज्वाइन करती है चंबल रिवर इटावा के अंदर। द रिवर फ्लो मच बिलो बैंक्स ड्यू टू सीवियर इरोजन और पूर रेनफॉल, तो अच्छा खासा फ्लो होती रहती है, सीवियर इरोजन होता है अच्छा, यानी कि ठीक है, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है, जो कि आपको पता ही है, एंड टोटल लेंथ ऑफ 1050 किलोमीटर है। नॉर्मल जानने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ डीपली जाओ मत। डैम ऑफ चंबल रिवर, गांधी सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, जवाहर सागर डैम है, कोटा बैरेज है, ये सारे के सारे कहाँ कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, मध्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर। ये गांधी सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम बेसिकली राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है, और डैम लोकेटेड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ गांधी सागर डैम अक्रॉस द चंबल रिवर, ठीक है। जवाहर सागर डैम है बेसिकली, ये कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। वहीं जो कोटा बैराज है, ये तो ऑब्वियसली बात है कोटा सिटी के अंदर होगा। अब ये चारों के चारों जो डैम है, ये किसके ऊपर बने हुए हैं, चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर डाइवर्टेड टू द कोटा बैराज फॉर द इरीगेशन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। इनसे बेसिकली, इन तीनों चारों डैमों से सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया जाता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर मोस्ट ऑफली इरीगेशन पर्पज़ के लिए इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर कुछ हमारे पास जो पानी है उसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं वाटर के लिए राजस्थान के अंदर, ताकि राजस्थान के अंदर जो एरिया है फर्टाइल रह सके। अगर हम ये सारा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको ये पता ही है कि राजस्थान का मोस्ट ऑफली एरिया है जो धीरे 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 मोस्ट ऑफली जो एरिया है अब वो पूरा ड्राई लैंड में बनता हुआ जा रहा है, यानी कि पूरा डेजर्ट बनता जा रहा है। जो पहले सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट एरिया से सिरोही तक के रीजन तक था, उसके बाद वो धीरे धीरे जयपुर तक खींचता जा रहा है, और जयपुर तक उसकी धूल आ जाती है, तो ये मोस्ट ऑफली इसका सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है। तो इस वजह से उस एरिया को फर्टाइल करना, उस एरिया के अंदर अच्छी खासी पेड़ पौधे उगना जरूरी है। अब जो केलादेव जो नेशनल पार्क है, ये भरतपुर के अंदर है, सबको पता है, तो ये बेसिकली चंबल रिवर इरीगेशन प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है। जो बनास रिवर है, आपको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अरावली रेंज से निकलती है सवाई माधोपुर के अंदर, बेसिकली इट जॉइन द चंबल राजस्थान माधोपुर सवाई माधोपुर। सिंध रिवर जो विदिशा प्लेटू से निकलती है मध्य प्रदेश के, 415 किलोमीटर की बेसिकली ज्वाइन करती है, 415 किलोमीटर इसका टोटल है, उसके बाद ये यमुना को ज्वाइन करती है। बेतवा रिवर है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है विंध्याचल रेंज से, जिसमें द धासन इज द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी, इसकी धासन रिवर जो इसकी ट्रिब्यूटरी है। वहीं अगर आप देखोगे तो केन रिवर इज राइजिंग फ्रॉम द बारनेर रेंज मध्य प्रदेश, जो कि ज्वाइन करती है यमुना को बाद में चीला में, यमुना नियर चीला। वहीं सोन रिवर है, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है कैमूर रेंज से, अलोंग पास करती है कैमूर रेंज को। जो इसका क्लोजली जो सोर्स है वो बेसिकली नर्मदा है, नर्मदा ही बेसिकली अमरकंटक प्लेटू से निकलती है और अरेबियन सी में जाती है। इट्स जॉइन द गंगा नियर दानापुर पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, और डिस्टेंस का 784 किलोमीटर का है। उसके बाद देन ये बेसिकली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये सबको पता है, ऑलमोस्ट ऑल द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जॉइन द राइट, ठीक है। द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस सोन आर द जोहिला, द गोपत, द रिहंत एंड कनहर एंड द नॉर्थ कुल, ऑलमोस्ट ऑल द ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन ऑन इट्स राइट बैंक बेसिकली, यानी कि सीधे हाथ की जो बेसिकली ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियाँ होती हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। तो एक मोटा मोटा नज़र मार लो, इतना ज़्यादा कुछ डीपली जाओ मत, ठीक है। तो सोन हो गया आपका अमरकंटक, नर्मदा कहाँ से निकलती है ये आपको पता चल चुका है, कैमूर रेंज को पास करती हुई जाती है। इससे ज़्यादा मत देखो, सिर्फ इतना देखने की ज़रूरत है कि पटना देखो, ये वाली जो रिवर है ना, कि सोन की कौन कौन सी सहायक रिवर है, इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ये वाली तब पता, ये पता कब पड़ी जाती है, टू बी वेरी फ्रेंक, मेरे को भी इतना ज़्यादा याद नहीं रहता इनको, बेशक मैं इनको डेली पढ़ रहा होता हूँ या कुछ भी कर रहा होता हूँ। तो इन रिवर को ना सिर्फ एक बार नज़र मार लो, क्योंकि ये वाली रिवर तब हो जाती है जब आप उस स्टेट का स्पेशली पीसेस देने के लिए जा रहे हो। अब मुझे चंबल की सहायक नदियों से ज़्यादा मतलब नहीं है, चाहे मैं पिंडार पढ़ूँ, काली सिंध पढ़ूँ या फिर बेतवा पढ़ूँ, कोई मतलब नहीं है मेरे को। इतना पता है कि यमुना की जो मेजर जो ट्रिब्यूटरी है उसमें बेतवा आती है, केन आती है, उसके अंदर इसके अलावा चंबल आ जाती है, तो इनको मैं ज़्यादातर ध्यान रखूँगा, टोन आ जाती है तो मैं इनको ज़्यादातर ध्यान रखूँगा, इंस्टीट्यूट ऑफ के मैं ध्यान रखूँगा पिंडार काली सिंध उसके अंदर आके मिलती है। ज़्यादा डीपली नहीं जाना, सिर्फ एक मोटा मोटा याद रखना है। दामोदर रिवर है, ऑब्वियसली बात है छोटा नागपुर प्लेटी से निकलती है। दामोदर रिवर को बेसिकली अगर आप देखोगे तो सौरव बंगाल भी कहा जाता है, मिनरल्स के मामले में अच्छा खासा रिच है, अच्छी खासी होती है। अब इसकी जो अलग से जो ट्रिब्यूटरी हैं, जो सब ट्रिब्यूटरीज हैं, बराकर है, कोनार है, बोकारो है, हहारो है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। बराकर इज द मोस्ट मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर, ठीक है, तो इतना ध्यान रखो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। आगे अगर आप देखोगे तो सेवरल डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द वैली ऑफ द जनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो बेसिकली रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ के एरिया को, उस पूरे एरिया को। द फर्स्ट डैम वॉज बिल्ट
अक्रॉस द बराकर रिवर, दैट्स बेसिकली दामोदर रिवर, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। बराकर रिवर के ऊपर सबसे पहला जो डैम था वो बनाया गया था। इट यूज कॉज डिवासिंग फ्लड्स और इस सारी चीज़ों के लिए सौरव बिहार कहा जाता, बंगाल कहा जाता है। तो इसकी वजह से ताकि जो जो फ्लड आता है उसकी वजह से जो नुकसान होता है उसको रोका जा सके। अब हुगली रिवर इसको ज्वाइन करती है कोलकाता के अंदर, सॉरी, ये हुगली रिवर को ज्वाइन करती है दामोदर रिवर कोलकाता के अंदर, एंड वहीं अगर जो इसकी टोटल लेंथ है वो 541 है, ठीक है। अब वहीं अगर आप जो लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है उसके अंदर रामगंगा आती है हमारे पास, गोमती आती है, घाघरा आती है, गंडक आती है, बूढ़ी गंडक आती है, बागमती आती है, एंड द कोशी आती है, ये हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इनमें से दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन द हिमालयस बेसिकली। तो देख लेते हैं रामगंगा क्या है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का उत्तराखंड से निकलती है, एंटर्स इन द गंगा प्लेन नियर कालागढ़, ये जब ज़्यादा मत देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्वाइन द गंगा एट कहाँ पे, को गंगन अरिल कोसी देवा आर इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रामगंगा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कोहा गंगन अरिल कोसी। स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक बार नजर मार लेना कभी भी एग्जाम से पहले, दैट्स ऑल इनफ। घाघरा रिवर है बेसिकली गुरला मदंता पीक है मानसरोवर तिब्बत के पास, जोशी बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ ये आपका मानसरोवर लेक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलेगी, यहाँ से सतलुज निकलेगी, यहाँ से इंडस निकलेगी, यहीं से घाघरा निकलेगी कहीं छोटे से इसकी लेक से, इसी की पार्ट का लेक है, इसी को पूरा मानसरोवर कहा जाता है। तो इसी तरीके से सारी की सारी ट्रिब्यूटरी यहीं से निकल रही हैं, और ये लेक कोई छोटी मोटी नहीं है कि 10, 5, 50, 100 किलोमीटर में हो, इतनी बड़ी है कि आराम से एक अच्छा खासा शहर बस जाए, ठीक है। इस वजह से इसमें काफ़ी ट्रिब्यूटरी निकल जाती है। इट्स ऑल्सो नोन एज द करनैली वेस्टर्न नेपाल बेसिकली, घाघरा को करनैली भी कहा जाता है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरी है बेसिकली सरदा है, सरजू है, अयोध्या बेसिकली सरयू रिवर के ऊपर है आपको पता ही है, तो सरजू कहा जाता है, एंड द राप्ती, ठीक है। द घाघरा जॉइंस द गंगा फ्लो फ्यू किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम ऑफ द छपरा इन बिहार, छपरा बिहार के पास घाघरा रिवर ज्वाइन करती है गंगा को। आफ्टर रीचिंग प्लेन एरिया में पहुंचने के बाद डिवाइड कर देती है अपनी ब्रांचेस को कोरियाब एंड गरवा, जो इसकी मेन है येरी कोरियाब और गरवा। रिवर बेड इज सैंडी और सडन बैंड जो इसके अंदर आते रहते हैं उसकी वजह से बाढ़ भी आती है। द रिवर हैज़ अ हाई फ्लड फ्रीक्वेंसी, जो कि बिहार के अंदर और दामोदर की तरह ही है, बिहार के अंदर सॉरी बंगाल के अंदर बात करूँगा तो बिहार के अंदर इस कोसी के अलावा ये भी बेसिकली बाढ़ का कारण कहा जाता है, बट सौरव और बिहार बेसिकली कोसी को ही कहा जाता है। जैसे दामोदर के अंदर सबसे दामोदर के ऊपर डैम बनाया गया जो उसकी ट्रिब्यूटरी थी बराकर रिवर, ताकि बंगाल के अंदर उसको रोका जा सके फ्लड को, उसी तरीके से घाघरा के ऊपर कई बार ऐसी कोशिश की गई है कि इसको थोड़ा बहुत रोका जाए या फिर कुछ किया जाए, बट फेल हो जाती है चीज़ें। तो ठीक है, ये बेसिकली एक तरीके से कोसी को और घाघरा को ही सौरव और बिहार कहा जाता है। काली रिवर है ट्रांस हिमालय, जो कि नेपाल और कुमायूं के बीच में है, ये सबको पता है, नोन एज द सरदा, बेसिकली टनकपुर के एरिया में जाके ज्वाइन करती है। गंडक रिवर है, तो गंडक को बेसिकली काली गंडक और मयांकंदी बारी और त्रिशूली भी कहा जाता है, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। काली गंडक इसकी छोटी ट्रिब्यूटरी है। गंगा के अंदर मिलती है हाजीपुर बिहार के अंदर, इसका अच्छा खासा इमरजेंस है प्लेन के अंदर। तो ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, ध्यान रखो, नॉर्मल इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कहाँ से निकल रही है, बस नज़र मार लो, दैट्स इट। बूढ़ी गंडक है, सुमेसार हिल से निकलती है इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास, अब ये गंगा को ज्वाइन करती है मंग्या टाउन के अंदर, ठीक है। कोशी रिवर है, कोशी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको बेसिकली 7 स्ट्रीम्स है, 7 स्ट्रीम्स से बनने के बाद ये कोशी रिवर बनती है। इस वजह से सुत कोसी, तुम्बा कोसी, तलका, दोद कोशी, बोध कोशिया, अरुण और तंबेर, ये 7 की 7 रिवर बनती हैं, उसके बाद ये कहीं जाके कोशी बनती है, ठीक है। दीज स्ट्रीम फ्लो थ्रू ईस्टर्न नेपाल, नोन एज सप्त कोशी कोशी रीजन बेसिकली नेपाल के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, सुत कोशी, तंबा कोशी, तलका, दूध कोशी, बोतिया कोशी, अरुण और तंबेर, ये 7 रिवर के नाम याद रखना, कभी अगर पूछ लिया बिकॉज ऑफ थोड़ा सा टिपिकल है पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। दे यूनाइट त्रिवेणी नॉर्थ द महाभारत रेंज टू द कोशी, सिर्फ नॉर्मल ध्यान रखो और कुछ नहीं। तुम्हार अरुण सुन, ये 7 की 7 इन साहब के अलावा जब ये तीनों की तीनों, तुम्हार अरुण और कोशी, ये तीनों के तीनों जब मिलती हैं तो इसे त्रिवेणी कह देते हैं, और ये बेसिकली महाभारत रेंज के पास, ठीक है। 7 स्ट्रीम मिंगल विथ ईच अदर फॉर्म ऑफ द स्ट्रीम नेम द तुम्हार अरुण सन, तो सेम थिंग याद रखो, छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ ज्यादा डीपली नहीं जाना। रिवर्स एंटर तराई इन द नेपाल महाभारत रेंज से होती हुई जाती है, एंटर करती है सून, ये बिकम्स एक अच्छा खासा रीजन बनाती है, सौरव बिहार कहा जाता है, दैट्स इट, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। वहीं अगर आप ब्रह्मपुत्र रीजन की बात करें तो गंगा हमारा खत्म हो चुका है, अब हम ब्रह्मपुत्र पे आ चुके हैं, तो इसे बेसिकली सांगपो कहा जाता है, प्योरीफायर बेसिकली तिब्बत के अंदर। जब ये चाइना में आती है तो इसे यारलुंग कहा जाता है, आसाम के अंदर आती है तो इसे बेसिकली सॉरी
ठीक है, आसाम के अंदर आती है, तो इसे दिहांग या फिर सियोंग कहा जाता है बेसिकली, वहीं जमुना रिवर इसे बाद में कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर, पद्मा रिवर कहा जाता है जब ये बेसिकली गंगा और ब्रह्मपुत्र जब ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है, वहीं मेघना कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ पद्मा एंड मेघना, जब पद्मा और मेघना दोनों मिल जाती हैं तो इसको मेघना कह देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा है। जमुना कहा जाएगा बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुत्र को, पद्मा कहा जाता है गंगा को, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इसको कहा जाता है मेघना, ठीक है। चलो आप एक बार देख लो, ये रहा यारलुंग, इसे यारलुंग सांगपो ठीक है कह लो, कुछ भी कह लो, चेमोंग दोंग ग्लेशियर है जो कि ये कैलाश मानसरोवर, मानसरोवर वाला रीजन है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे निकलती हैं रिवरें। अब ये दिहांग दिबांग एक अच्छा खासा एसिड तीखा गोज बनाती है, तो इसे बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिहांग दिबांग सियांग बेसिकली कहा जाता है। देन उसके बाद यहाँ से लोहित आके मिलती है, फिर सुबनसिरी मिलती है, फिर धनसिरी मिलती है, कपिली मिल जाती है, मानस रिवर मिल जाती है। देन उसके बाद जब ये आगे जाती है तो इसे जमुना कहा जाता है, यहाँ से हुगली के पास जाके यहाँ के पद्मा आके मिलती है, जब ये दोनों मिल जाती है तो इसे मेघना कहा जाता है। सिंपल सी चीज़, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा डीपली मत जाओ, कुछ नहीं रखा ज़्यादा डीपली जाने में, ठीक है। चलो आगे देख लो, अब वही कमेंग, मानस, रैदाक, सुबनसिरी, तीस्ता, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ब्रह्मपुत्र पे, तो एक बार सिर्फ नज़र मार लो, राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक की कौन सी है, दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है, केलोंग है, कपिली है, दिखू है। देखो ये रिवर ऐसे बहती है, तो आपको ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और यहाँ से जो मिलेगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ से कौन सी आ रही है, ये मैंने आपको दिखाया, यहाँ से मानस आ रही थी, कामेंग आ रही थी, तिस्ता आ रही थी, तिस्ता यहाँ पर है, उसके बाद सुबनसिरी आती है, दिबांग, लोहित, धनसिरी, केलोंग, कपिली, सिखू, ये सारी नीचे से आके मिलती हैं, तो ये एक बार आप ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलो तो वही 2900 किलोमीटर है, कहाँ से निकलती है मैं आपको बता चुका हूँ, मरीमाला सेपरेट द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड मानसरोवर लेक, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है जानने की, डिप्रेशन फॉर्म करती है, सांगपो स्ट्रक्चर कैसा भी है छोड़ दो। अब जेंटल स्लोप है आपको पता है, लास्ट से दिजोंग ठीक है छोड़ दो, नामचा बरवा बेसिकली छोड़ दो, सदिया दिबांग छोड़ दो, मैं आपको बता चुका हूँ दिहांग दिबांग कब कहा जाता है, बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर पढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिकांग ये कब कहा जाता है, लोहित वोहित कब आके मिलती हैं छोड़ दो। हाँ ये याद रख लो, द तिस्ता वॉज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा पीरियड ऑफ फ्लड्स ऑफ 1787 आफ्टर विच इट डाइवर्टेड इट कोर्स ईस्टवर्ड टू ज्वाइन द ब्रह्मपुत्रा। 1787 में फ्लड आने से पहले जो तिस्ता रिवर थी वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी थी, अगर ऐसा कभी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा जरूरी रहेगा। उसके बाद एक टाइम के बाद जब उसके बाद इसने अपना जो फ्लो है जो अपना ईस्टवर्ड किया और ब्रह्मपुत्र के अंदर जाके मिलने लगी। वहीं यहाँ पर देखो जो मेन स्ट्रीम मर्जिंग था ब्रह्मपुत्रा, नॉर्थ नॉर्थ आर सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक सॉरी। तो तिस्ता वाला ध्यान रख लीजिएगा, तिस्ता वाला मैं अभी आपको पढ़ा देता हूँ। मजूली जो कि बेसिकली एक आइलैंड है, मजूली आइलैंड जो कि किसके ऊपर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर ही है, ये ध्यान रखिएगा। द रिवर इज नियरली 16 किलोमीटर वाइड एट दिब्रूगढ़, फॉर्म द मेनली आइलैंड, मजूली जो आइलैंड द मोस्ट वन विच इज मजूली, इट्स 90 किलोमीटर लॉन्ग, मीजर्स 20 इट वेस्ट। मजूली जो आइलैंड है बेसिकली आसाम के अंदर है, जो कि इस रिवर के ऊपर ही बनाता है, ठीक है। सौरो ऑफ बेसिकली कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, जो कि उस एरिया का सौरो कहा जाएगा, तो नेविगेबल ठीक है, जानने की जरूरत नहीं है। विथ रेनफॉल कंसेंट्रेटेड ड्यूरिंग द मानसून मंथ द रिवर हैज़ टू कैरी द इनॉर्मस क्वान्टिटीज वाटर विज द फ्लो ऑफ डिस्टीरियस फ्लड, ब्रह्मपुत्र थस ट्रूली रिवर ऑफ सौरो, यानी कि आसाम का और अरुणाचल प्रदेश का आप सौरो कह सकते हो, बेसिकली इसको काउंट नहीं करते हैं बट ठीक है, मैंशन इज मैंशन, जो कि बुक्स के अकॉर्डिंगली हम लेके चल रहे हैं। तो वहीं अगर आप आगे देखोगे तो जमुना रिवर आगे जाके मेघना बनती है, मैंने आपको बताया कि पहले यहाँ से ब्रह्मपुत्र जमुना कहलाती है, यहाँ से पद्मा आती है, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इसे मेघना कह देते हैं बांग्लादेश के अंदर, दैट्स इट। बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, बांग्लादेश के अंदर गंगा को पद्मा कहा जाता है, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इसे मेघना कहा जाता है, ठीक है। नोट यहाँ ध्यान रखो, 1787 से पहले तिस्ता वाज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, मैं बता दिया है, उसके बाद इसने अपना ईस्टवर्ड अपना अपना पूरा फ्लो चेंज किया, देन उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कहा जाने लगा, ठीक है। तिस्ता रिवर है, तिस्ता रिवर एंटर्स बांग्लादेश आफ्टर पासिंग थ्रू वेस्ट बंगाल, मीट्स ब्रह्मपुत्र बिफोर एंटरिंग टू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट रिवर इन बांग्लादेश आफ्टर ब्रह्मपुत्र, गंगा और मेघना। इंडिया बांग्लादेश हैव वाटर डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग द तिस्ता वाटर आफ्टर वायरस राउंड ऑफ डायलॉग कॉन्सिक्वेंस हैज बीन रीच, इट्स मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन बिटवीन इंडो बांग्ला रिलेशन विच अदरवाइज अ वैल्यूएबल अलाय ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये तिस्ता रिवर है जो कि बांग्लादेश में मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र के अंदर मिलती है, देन फोर्थ लार्जेस्ट रिवर ये कही जाती है बेसिकली बांग्लादेश में,
आफ्टर ब्रह्मपुत्र, गंगा और मेघना के बाद। और इसके बाद बेसिकली इसके ऊपर डिस्प्यूट चलता है इंडिया और बांग्लादेश का, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है डिस्कशन के बाद में, और एक सॉल्यूशन भी निकाले गए हैं इसके ऊपर कि हाँ ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप तिस्ता की बात करो तो रिच मिनरल्स के मामले में और इरीगेशन के मामले में इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, सेम ये इरीगेशन के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है बांग्लादेश के लिए। ठीक है, चलो साइड टॉपिक, बराक रिवर क्यों साइड टॉपिक है मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ दिस इज द ऑल्सो काउंट एज एन इंटरनेशनल रिवर, जो कि अगर आप देखोगे बराक रिवर मणिपुर से निकलती है और मिजोरम में जाके, मिजोरम आसाम से होते हुए बेसिकली बांग्लादेश में जाती है। द फेमस सिटी ऑफ सिल्चर आसाम सिचुएटेड आफ्टर सिल्चर इट्स फ्लो अबाउट 30 ऑड किलोमीटर्स नियर बदरपुर, डिवाइड्स इटसेल्फ सुरमा एंड कुशियारा रिवर्स, एंटर्स बांग्लादेश। सुरमा रिवर देन मर्ज विद द मेघना रिवर। ठीक है, इट इज डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवे वाटर, नेशनल वाटरवे हाईवे 6 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया हैज ऑल्सो प्रपोज द तिपाईमुख डैम विच बिकम द सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ऑब्वियसली बात है बांग्लादेश के अंदर मिलती है, अगर इंडिया डैम बनाएगा तो वहाँ पानी के लिए कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, और वैसे ही बांग्लादेश के पास खुद का ना कुछ सोर्स नहीं है, बांग्लादेश के अंदर जितना ही पानी जाता है वो इंडिया से ही जाता है। अगर इंडिया ने कभी अगर कभी डिस्प्यूट के ऊपर बैन लगा डैम में बनाना चालू कर दिया ना, बांग्लादेश पूरा सूख जाएगा, क्योंकि उसके पास समुद्र तो है लेकिन समुद्र का पानी यूज़ नहीं कर सकते ना, दैट्स नॉट एक्चुअली यूजेबल। तो ये था आज के लिए, आपको मोटी मोटी नॉलेज ट्रांसफर कर दी गई है, चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ और सिर्फ 47 स्लाइड्स हमने नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ 31 मिनट के अंदर हमने पूरी कर ली है। सो आज के लिए इतना ही, दोबारा एक बार ही देखेंगे और दोबारा नए लेक्चर के साथ में दोबारा आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोबारा, बाय बाय, टेक केयर।